अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विकास दुबे के पुराने वीडियो से हुआ सनसनीखेज खुलासा। विकास दुबे ने दो ऐसे नाम लिए जिससे सरकार पर उठे सवाल। सरकार के ही सहायकों के सफेद कुर्ते पर लग गए दाग। अब विपक्षी दलों ने पूछा, क्या कार्रवाई करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? सपा समेत तमाम दलों ने पूछा, क्या विधायकों पर होगी कार्रवाई? सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे को लेकर हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक ऐसा खुलासा हो रहा है जिससे प्रदेश की सत्तासीन पार्टी के साथियों पर सवाल उठने लगे हैं। मामले में विपक्षी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, हर दल यही पूछ रहा है कि सरकार बताए, क्या अपने साथियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? क्योंकि विकास दुबे के पुराने वीडियो से जो खुलासा हुआ है उसने बीजेपी के ही दो विधायकों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में विपक्षी दलों ने अब मोर्चा खोल दिया है और सरकार से सवाल किया है कि जब 2017 में ही विधायकों का नाम विकास दुबे के साथ जुड़ चुका था तो फिर विधायकों पर भी सरकार ने शिकंजा क्यों नहीं कसा? आपको बता दें कि विकास दुबे के पुराने वीडियो से बीजेपी के विधायकों भगवती प्रसाद सागर और अभिजीत सिंह सांगा के साथ संबंधों का खुलासा हुआ और ये वीडियो 2017 का है। ऐसे में जिन बीजेपी विधायकों का नाम वीडियो से सामने आया उससे बीजेपी विधायकों पर भी सवाल उठ रहे हैं और विधायक अब मामले पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने की जगह विपक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के नाम का खुलासा जब वीडियो से हुआ तो विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सामने आकर सफाई पेश की और उनका कहना है कि ना तो मेरा कभी विकास से कोई संबंध रहा है और ना ही मैं उससे कभी मिला हूँ। ये अपराधी है और सत्ता का संरक्षण लेने के लिए इस तरह से मेरा नाम ले रहा है, वो ऐसे झूठ बोलता रहता है। अभिजीत सिंह सांगा ने कहा कि हमारा कभी कोई संबंध नहीं रहा और उन्होंने विकास दुबे के दावे को खारिज कर दिया। साथ ही थाने में विकास दुबे के खिलाफ तहरीर दी और कहा कि उसने मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल किया है। भले ही विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने मामले पर सफाई पेश की हो, लेकिन फिर भी लगातार विपक्षी दल की तरफ से मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं और सपा के साथ साथ कांग्रेस बीजेपी से अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं सरकार की दलील है कि मामले की जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब हर किसी की नजर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर टिकी है कि विकास की गिरफ्तारी के बाद उससे जो पूछताछ होगी उसमें और क्या क्या खुलासे होंगे। साथ ही बीजेपी विधायकों के जो नाम उसने पुरानी पूछताछ में लिए थे, क्या वाकई उसने सच बोला था? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जवाब कब मिलेंगे कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।